शिवपुरी की नरवर तहसील के चक्रामपुर गांव में भदौरिया परिवार की महिला समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में फर्जी वोटिंग की बात सामने आई है। तीन लोगों की हत्या के बाद चक्रामपुर गांव खाली हो चुका है। दरअसल गांव में भदौरिया और कुशवाहा परिवार रहता था। परिवारों में विरोध को देखते हुए नरवर थाने पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं SP भी नरवर पर नजर बनाए हुए हैं। नरवर भी वो पहुंचे और मौजूद क्षत्रिय समाज के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। ज्ञापन को लेकर पुलिस की तरफ से हर संभव कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन समाज के लोग हत्या के आरोपियों के मकान और 5 दुकानों को तोड़ने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी ने मामला संज्ञान में लेकर 5 दुकानों को बुलडोजर से ढा दिया है। इस दौरान भारी संख्या में शासन प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने 3 लोगों की हत्या करके फरार 10 नामजद और 4 अन्य की गिरफ्तारी भी कर ली है। शेष की तलाश लगातार जारी है। जब मार रहे थे उन्हें तो हर बार बोल रहे थे ये डल गया फर्जी वोट, ये एक बार फर्जी वोट डल गया। जब उनको राजनीति प्रहार किया जा रहा था तब हर बार यही बोल रहे थे। हर कुलाड़ी के प्रहार पर ये कहा जा रहा था कि एक फर्जी वोट। जब गाड़ी में आग लगाई थी तब भी यही बोला। सर जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें एक सरपंच का नाम ले रहे थे, तो क्या सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है? जो वीडियो वायरल हुआ था कल रात में, जिसमें आप इनकी तरफ से ठाकुर पक्ष की तरफ से गांव के सरपंच का नाम लिया गया था, सरपंच और वीर सिंह ने उन जो जो भी उन्होंने जो भी स्टेटमेंट देंगे जो वीडियो हमारे पास उसको हम जाँच करेंगे, उसमें जो भी उसमें सही में इन्वॉल्व होंगे।